कलम की ताकत हजार तलवारों से ज्यादा बड़ी है। आप कलम की ताकत को पहचान के और वोट का सही प्रयोग करना ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं ना, अगर हम वोट की ताकत को नहीं पहचान पाए तो वाल्मीकि के घर में झाड़ू निकालने वाला ही पैदा होगा, चमार के घर में जूते बनाने वाला पैदा होगा, कुमार के घर में मटके बनाने वाला पैदा होंगे। और अगर हम वोट की ताकत को समझ गए, अपना वोट अपनी जगह डाल लिया, हम अपना नेतृत्व स्थापित कर पाए, तो उन झाड़ू निकालने बर्तन बनाने वाले लोगों के बीच में से ही देश का एक दिन लाल किले के जो झंडा फहराएगा वो इन जूते बनाने वाले लोगों का ही फहराएगा। लेकिन वो तो सब एकजुट हो गए हैं, लेकिन ये तो जातियों में बढ़ते जा रहे हैं और मजबूत हो रही हैं जातियाँ इनकी। ये जो जाति में बटने की बात है, ये माननीय साहब कंसेप्ट दे के गए हमें बहुजन का, कि हमें सभी को एक होके सभी को काम करना। बहुजन बक्का रहा था ना सब दिया था बहुजन। बहुजन का जो है ये कंसेप्ट, ये मोतियों की माला में पिरोकर उसको एक ताकत बनाने की बात है। अगर वो मोतियों में मन के खिंडके तो वो मनके है, वो माला नहीं है फिर। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ रायता फैला है कार्यक्रम में, क्या एकजुट हो पाएंगे ये जातियाँ? देखिए, जहाँ तक एकजुटता का सवाल है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के समय में इस राष्ट्र के अंदर ये राजनीतिक रूप से गुलाम था, उस समय उनकी कलम रुकी नहीं, उन्होंने लगातार कोशिश की। इसी प्रकार से जब यहाँ पर और जो मनुवादी जो लोग अपनी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो सत्यशोधक समाज बना के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने कोशिश की। फिर छत्रपति साहू जी महाराज ने एक प्रतिनिधित्व देकर और इनको स्टैब्लिश करने की कोशिश की। फिर माननीय साहब काशीराम ने बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको स्टैब्लिश करने की कोशिश की। ये कोशिशें लगातार चलती रहेंगी। प्रदीप जी, आपका काम तो मोहन भागवत कर रहे हैं, कह रहे हैं दलितों को जलाभिषेक करने दो, उनको घोड़ी पर चढ़ने दो। जब बाबा साहब के सामने दो प्रश्न थे, जब गांधी जी ने कहा कि इनको मंदिरों में प्रवेश दिया जाएगा, बाबा साहब बोले कि इस लाइन को काट के ये लिख दो कि इनको स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में प्रवेश दिया जाएगा और इनको राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसको देश की संसद में इनको पहुँचाया जाएगा। उनका परिणाम है कि आज जो हमारे लोग 130 से 135 जो सांसद आज बैठे हैं ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर की उस कलम की ताकत है। और उस कलम की ताकत को आज अगर 135 पार्टी की ताकत है, वो पार्टी की ताकत आज बने हुए हैं, पार्टी ने बनाया सर सांसद। देखिए, अगर जो मोतियों की जो माला है, मोतियों की माला से जो बहुजन का कंसेप्ट जिस दिन खत्म होगा, उस दिन माननीय साहब कहते थे कि मैं लाल किले से बोल रहा हूँ, वो लेकिन आगरा के लाल किले से बोल रहे थे, लेकिन उसको दिल्ली के लाल किले से बुलवाने की जिम्मेवारी किसी दलित शोषित समाज के लोग जो लाल किले पे चढ़ के बोले, वो जिम्मेवारी आपकी और हमारी है। अच्छा प्रदीप जी, आप भी कभी सहन किया है जातिवाद अपनी जिंदगी में अब तक आपने? देखिए, जातिवाद का जहाँ तक सवाल है, हम तो पैदा होते ही सहन कर रहे हैं, हम तो पेट में होते हैं। वो बाबा साहब बेनिलेशन ऑफ कास्ट में लिख के गए हैं कि भाई हमारे जो समाज के जो झाड़ू निकालने वाले लोग हैं, जब उनकी जो हमारी माताएं हैं उनके हम पेट में थे, तो उन्होंने सोच लिया होगा कि ये जो मेरा बेटा पैदा होगा ये उस कमेटी में एक झाड़ू का काम करेगा। लेकिन और दूसरे समाज के लोग ऐसा नहीं सोचते। कमेटी का देखो सर, ब्राह्मण बने बैठे हैं आपकी के? ये कमेटी नहीं माननीय साहब, जो झाड़ू निकालने की जो बातें हैं ना, कि मटके बनाने वाला तो मटके बनाने का काम करेगा, ये तो कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया गया 2500 साल से। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध किया और उन्होंने इसको तोड़कर ये कहा कि झाड़ू निकालने वाले का जो बेटा है ना, वो भी एक दिन लाल किले से झंडा फहरा सकता है। वोट की मैंने अपने जो रानी का पेट है ना, उसका ऑपरेशन कर दिया है और आपका जिम्मेवारी बाप की और हमारी है। आजकल जो एससी स्टूडेंट हैं, आईआईटी में एमबीबीएस कर रहे हैं वगैरह, वो सुसाइड बहुत करते जा रहे हैं, घटना क्यों बढ़ रही है? देखिए, जातिवाद का जहाँ तक सवाल है, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ, पूरा समाज 6,743 जातियों में बटा हुआ है। हमारे आपके साथ हमारे साथ लगभग हमेशा दिन प्रतिदिन अत्याचार होते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग बता नहीं पाते, वो जैसे कबूतर और बिल्ली नहीं होती है कि भाई कबूतर ने आँख बंद कर दिया तो बिल्ली उसको दिखी नहीं, कबूतर ये सोचता है कि भाई बिल्ली चली गई है, लेकिन बिल्ली अपनी जगह पर है। जातिवाद सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, जाति है तो जातिवाद भी होगा। आप सर हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में बहुत मजबूत है खाप, खाप कितना इंटरफेयर करते हैं सामाजिक व्यवस्था में? खाप का जो इंटरफेयर का जहाँ तक मामला है, हमारी जो सामाजिक लड़ाई है वो खापों की नहीं है, हमारी इंटरफेयर करती है निश्चित रूप से। जातिवाद को बढ़ावा देती है क्या? देखिए, जातिवाद कहता है कि जो गांव है वो जातिवाद की नर्सरी है। जातिवाद की नर्सरी कब तक है? जब तक हम उस बहुजन कॉन्सेप्ट को शामिल करके, हम जिस दिन हमारा कोई आदमी हमारे बीच का लाल किले से झंडा फहराएगा, उस दिन इस कॉन्सेप्ट को हम तोड़ देंगे। और जो जहाँ तक आप खाप को जातिवाद इसकी बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी तोड़ देंगे। जिसके हाथ में सत्ता आएगी वो अपने करेगा। हरवा माननीय साहब कहते थे कि भाई आपके हमारे घर में तो हरवा पैदा होगा, आपके घर का हकीम बनेगा, तो हरवा और जो हकीम हम भी एक दिन हकीम बनेंगे। माननीय साहब कॉन्सेप्ट दे के गए और उस पर काम हो रहा है। कितने साल लग जाएंगे करीब? देखिए,
देखिए जहाँ तक साल लगने का सवाल है, माननीय साहब और बाबा साहब ने भी एक चिंता व्यक्त की थी कि मेरा जो शरीर है वो जर्जर हो चुका है और आपका जो समाज है, मैं इसकी हालत है ना, जो चार खंभों पे एक तंबू खड़ा है उसकी तरफ देख रहा हूँ, ये खंभा अपनी जगह पे नहीं रहेगा तो तंबू की जो हालत होगी वो मेरे लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा, युवा जब आगे आ जाएंगे तो इस देश की जो गद्दी है उस पर निश्चित तौर पर एक कोई बहुजन जो विचारधारा का जो व्यक्ति है वो इस देश का झंडा लहराएगा। इस प्रकार के जो अधिवेशन है वो समाज में, जैसे बहुजन का जो अगर एक कॉन्सेप्ट होता तो यहाँ जो स्टेडियम में नीचे नीचे बैठे, आप तो गए होंगे अंदर, जो नीचे बैठे लोग हैं ना और जो ऊपर की जो कुर्सियाँ हैं वो भरी होती हैं, बैठने की जगह नहीं होती। अगर बहुजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता, एकता बनानी देखो जरूरी है समाज में, लेकिन उस एकता का फॉर्मूला वो हमने नहीं दिया है, कोई हम महापुरुष नहीं है, वो तथागत गौतम बुद्ध ने, संत गुरु रविदास जी ने, संत कबीर साहब ने, महामना ज्योतिबा फुले ने, EVP रामास्वामी पेरियार ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने और माननीय साहब काशीराम ने, इन सभी ने जो एकता का फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले पर अगर काम करते तो अलग ही नज़ारा होता। और आप देख रहे हैं अब की जो सिचुएशन है वो किस प्रकार की है। कैसा फीडबैक मिला है कार्यक्रम का? देखिए कार्यक्रम का जो फीडबैक मिलने की बात है तो जो कार्यक्रम है वो कुछ प्लांटेड कार्यक्रम होते हैं, जैसे काफ़ी लोगों को यहाँ पता ही नहीं था कि किस प्रकार का कार्यक्रम है। दूसरा एक और है कि भाई यहाँ पे बाबू जगजीवन राम जी की जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर एकदम प्रोजेक्ट कर दिया गया है। तीसरी एक और बात है कि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो है वो काफ़ी विरोध के बाद लगाया गया है, जो कि काफ़ी गलत है, क्योंकि भारत ही नहीं पूरे विश्व के जो लोग हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है, ये तो एक दिल्ली का तालकटोरा एक छोटा स्टेडियम है, वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में कोल मार्क्स के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी है, इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या इनको इन्होंने जरूरत नहीं समझी फोटो लगाने की बैनर पर? देखिए जातीय आधारित संगठन है, उनके बारे में बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में आगाह करके गए हैं कि कोई भी जाति का जो संगठन है वो इस देश में रूल नहीं कर सकता। और हमारी जो सोच है वो संत गुरु रविदास जी की सोच है कि ऐसा चाहूँ राज में, उन्होंने राज की बात की, एक तो स्वराज में प्रसन्न है, हम जो है क्या तो मरघट में प्रसन्न है या स्वराज में प्रसन्न है, ये बात संत गुरु रविदास जी ने कही। और दूसरी एक और बात बाबा साहब ने कही कि जो राज है वो अपना जो नेतृत्व के स्थापित करो, और बाबा साहब ने तरह तरह के जो संगठन है वो यहाँ पर दिए, तो उन संगठनों से अगर काम नहीं हुआ तो माननीय साहब काशीराम ने एक फॉर्मूला दिया, जो मोतियों के जो मनके थे उन मनकों को एक धागे में पिरोकर एक समाज बनाया 85%, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, आज उसका कार्यक्रम होता तो आप एकता देखते हैं। प्रदीप जी, कुछ लोग कहते हैं कि जो बौद्धिस्ट हैं वो तो रविदास जी को नहीं मानते, और बाबा साहब भी जो बौद्धिस्ट बन गए थे तो रविदास जी उनको नहीं मानते अम्बेडकरवादियों को, क्या उसका रिजल्ट यहाँ दिखाई दिया है? देखिए रिजल्ट काफ़ी निश्चित तौर पे दिखाई दिया है, क्योंकि यहाँ पर कई बातें तरह तरह की उठती हैं कि जो संत गुरु रविदास जी के जो स्थल है, जो प्रेरणा केंद्र हमारे लिए, आस्था के केंद्र है, और उनसे हमें शिक्षा लेने की ज़रूरत है। लेकिन आज चालाक लोगों ने बड़ी ही चालाकी से संत गुरु रविदास जी के जो स्थल थे उनमें कहीं देवी देवता की फ़ोटो रखी है, कहीं वहाँ पर हनुमान जी की फ़ोटो संत शिरोमणि के साथ में लगा रखी है, इस तरह का जो भगवाकरण यहाँ पर कर दिया गया है वो गलत है। लेकिन जो संत गुरु रविदास जी की सोच थी वो मानव एक समान वाली जो बात थी, वो कॉन्सेप्ट पूरा एक बहुजन कॉन्सेप्ट 2500 साल का जो संघर्ष है उसको माननीय साहब काशीराम ने पिरोया था और उसको एक 85% का नाम दिया था। लेकिन जो चमार अधिवेशन शुरू हुआ है दिल्ली में, आज ये लगभग खत्म सा ही हो गया है, अब कुछ ज़्यादा इसका सकारात्मक इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो ये तो चमार तो एक गाली भी दी जाती है इन लोगों को, ये इन्होंने अधिवेशन कर दिया गाली नहीं, देखो चमार कौम है वो मजबूत कौम है ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जो चमार है, जो शब्द है उसमें उनकी जो संख्या है, यहाँ पर जो संख्या जोड़ने की बात नहीं हो रही, हम उनको भोजन बना के एक जातिवाद होता है सर, जातिवाद इस पूरे देश में। वो बाबा साहब कह के गए थे कि भाई यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 मंजिला एक इमारत है, और 4 मंजिल में जिस मंजिल में जो पैदा हो गया उसको उसी मंजिल में मरना है, और ना तो सीढ़ियों से ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, जिसमें मरना हो मरना है, और उनके साथ वहीं पर ऐसा इस देश में धर्म के आधार पर लोगों को बांटा गया कि वो ना तो ऊपर जा सके ना नीचे जा, ऊपर तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ना नीचे जा सके, क्योंकि वर्ण व्यवस्था इस देश में स्थापित है। लोग इस नाम को छुपाते हैं, पीछे नहीं लगाते नाम के पीछे, आप इस नाम के जो है नाम के साथ में अधिवेशन कर रहे हैं, ये बात मैं मान्यवर जी स्पष्ट कर चुका हूँ कि अगर बहुजनों का सम्मेलन होता यहाँ पर देखने का दृश्य होता, और उस पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग हैं वो आते, और इन जो इस तरह के सामाजिक प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर कोई पैसे दे के बुलाई गई भीड़ नहीं होती, ये विचारों की ताकत है जो मान्यवर साहब ने दिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने दिए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने दिए। तो बाबा जाति में बांटने की जहाँ तक बात है, जाति में बांटना है ना, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब गुरु बनाने की बात आई
तो तथागत गौतम बुद्ध को गुरु बनाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को गुरु बनाया, संत कबीर साहब को गुरु बनाया। तो जातियों की जो बात है इसको ख़त्म करके एक समाज को जोड़ने के लिए जो काम होना चाहिए ना धरातल पे, उसकी ज़रूरत है। आज जो मूवमेंट है वो इस दिशा में, जो गलत दिशा में जा रहा है, उसका परिणाम यही है। लेकिन हमारे देश में तो ब्राह्मण सम्मेलन होते हैं, गुर्जर सम्मेलन होते हैं, जाट सम्मेलन होते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, तो ये समाज सम्मेलन भी हो गया है। देखिए सभी की अपनी अस्तित्व की लड़ाई है, और जो मान्यवर साहब और हमारे जो महापुरुष थे वो हमें कॉन्सेप्ट दे के गए हैं ऑलरेडी, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। मान्यवर साहब अपने मिशन में कामयाब क्यों हुए कि मान्यवर साहब ने 2+2=5 बताया तो लोगों ने 5 मान लिया और अब ये सरकार बना गए, 4 बार सरकार बनी और उसको एक प्रस्तुत धरातल पे करके दिखाया मान्यवर साहब ने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा, अपने नारों के अंदर नहीं कहा, उन्होंने धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। और एक और बात कही उन्होंने, बड़ी गजब की बात कही, हमारी लड़ाई है वो आज डिप्टी बनने की हो रही है, कोई किसी को उप बना दिया जाता है, जो मेन पावर है वो हमें नहीं मिली है कि वोट से लेंगे CM PM, आरक्षण से लेंगे SP DM। SP और DM ये जिलों को चलाते हैं, CM एक राज्य को चलाता है और PM पूरे देश को चलाता है। हमारी लड़ाई मुख्य तौर पर ये होनी चाहिए और यहाँ जो अधिवेशन में बात होनी चाहिए वो उसके इर्द गिर्द होनी चाहिए, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भी आज से लगभग 600 साल पहले राज की बात की और मान्यवर साहब काशीराम ने उसको राज पे ख़त्म किया। और मान्यवर साहब काशीराम जाते जाते कह गए थे कि आप चाहे मैं जब इस धरती से जाऊँगा ना तो कचरा उठाने से लेकर झाड़ू निकालने वाला, जूते बनाने वाला, मटके बनाने वाला, ये सभी राज की बात सोचने लगेंगे। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही हम पीड़ित क्यों, हम जुड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए, आप जो जैसे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो जाति है वो लोग सम्मेलन नहीं करते इस प्रकार के, उनको करने की जरूरत नहीं है।